भारत से ही दुनिया ने बहुत कुछ सीखा है। एल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना है आपने? किस किस नाम सुना है एल्बर्ट आइंस्टीन का? एल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला, हम भारत के बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हैं, बड़ा धन्यवाद देते हैं, क्योंकि भारत ने दुनिया को गिनती करना सिखाया। भारत ने सिखाया। वोल्टेयर नाम के दार्शनिक ने बोला, पूरी दुनिया कृतज्ञ है उस देश की जो गंगा की गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है, उससे जो हमने ज्ञान लिया है उससे आज दुनिया चल रही है। वोल्टेयर ने इस प्रकार से धन्यवाद दिया भारत का। अच्छा, ये प्लास्टिक सर्जरी जो लोग कराते ना, ये सर्जरी की विद्या कहां से आई? सुश्रुत। ये कहां के थे? भारत के। यस, हमको लगता है सर्जरी जो एलोपैथी से आई है, एलोपैथी में सर्जरी होती है, आयुर्वेद में सर्जरी नहीं होती। नहीं, शल्य चिकित्सा में पर्टिकुलरली प्लास्टिक सर्जरी ये सुश्रुत जी ने जी, साथ ही आर्यभट्ट ने दिया हमें आयुर्वेद दिया, चरक आयुर्वेद सो फेमस। ऐसी ऐसी बीमारियों का इलाज है जिसका और किसी भी ब्रांच में इलाज नहीं है। जैसे नाभि हिल जाना, नाभि हिलना बाकी किसी भी मेडिकल ब्रांच में कुछ नहीं है, उसको मानते सोलर प्लेक्सस बस। अगर नाभि हिल जाती है ना, या तो आपको लूज मोशन हो जाएंगे या टाइट मोशन हो जाएंगे। लेकिन नाभि का की विद्या किसके पास है? आयुर्वेद के अंदर। तो अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाओ ना कि जी लूज मोशन हो रखा, दवाई दे देगा वो, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता, या किसी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रही, क्यों नहीं ठीक हो रही, दवाई दो ठीक नहीं हो रही, लेकिन आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ कहता है कि इनकी नाभि हिली हुई है, अभी नाभि सेट करते हैं, और नाभि का सेट कर रहे, ये अंगूठा पकड़ कर पाओ का टक, ए, हो गई सेट, हाँ हो गई, अगले दिन से सब सेट। लेकिन ये विद्या कहां पर है? ये आयुर्वेद के अंदर है वास्तव में। तो इसीलिए आयुर्वेद की दृष्टि से भी भारत नंबर वन आए। भरत मुनि ने क्या दिया? नाट्य शास्त्र, द साइंस ऑफ ड्रामा। ये ड्रामा करने की साइंस वाला कहां से आई? ये भारत से आई। इसके बाद फिर ये बाहर गई, ये इटली गई, ये यूरोप में गई, और देशों में गई, अमेरिका गई, फिर वहां पर उन्होंने ड्रामा करने शुरू किए। लेकिन ड्रामा करने का जो शास्त्र है, नाट्य शास्त्र, ये भरत मुनि ने कहां दिया? तो भरत मुनि कहां के हैं? भारत के। यस, तो इस प्रकार से कला की दृष्टि से भी अगर आप देखें, भारत नंबर वन रहा है। मार्शल आर्ट्स हम जानते हैं, मार्शल आर्ट्स, कुंफू, कराटे, ये कुंफू कराटे वगैरह की जो ओरिजिनल फॉर्म है, ये वाला कहां से आई? याद है करेले पट्टू, ये इंडियन मार्शल आर्ट्स है। ये चाइनीज लोग भारत में आए, भारत में करेली पट्टू को देखा, उसे देखा, उसको थोड़ा अपना छौक लगा करके चाइनीज किया, और आज वो बन गया मार्शल आर्ट्स, कुंफू, कराटे। पर कुंफू कराटे ये सब ओरिजिनली कहां से आया? ये भारत से आया, करेली पट्टू। अब किसने विद्युत जामवाल का नाम सुना है? विद्युत जामवाल, विद्युत जामवाल आज बहुत इसको आगे बढ़ा रहे हैं कि वास्तव में ये कुंफू कराटे के अंदर अच्छा है, लेकिन सबसे ऊंचा जो मार्शल आर्ट्स, ओरिजिनल मार्शल आर्ट्स है, इट केम फ्रॉम बौद्ध धर्म, उन्होंने निकाला था कराली, और इसमें आकर के लोग सीखा करते थे सेल्फ डिफेंस के लिए। तो इसलिए इवन मार्शल आर्ट्स की दृष्टि से भी देखें, भारत नंबर वन रहा। साथ ही बहुत ही विशेष सिद्धांत है, उसको बोलते हैं सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत के अंदर जो एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस की गई है, यानी कि पृथ्वी सूर्य के बीच में डिस्टेंस, वो आज मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी से बिल्कुल मैच करता है। तो सूर्य सिद्धांत कहां से आया? भारत से आया सूर्य सिद्धांत। तो इस दृष्टि से भी देखें, भारत इज अमेजिंग। लैंग्वेज की दृष्टि से भारत की ओरिजिनल भाषा कौन सी रही है? संस्कृत भाषा। आज संस्कृत भाषा को कंप्यूटर लैंग्वेज के रूप में स्वीकार करे साइंटिस्ट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ज्ञान को कम शब्दों में व्यक्त करना, ये कला किसके अंदर है? संस्कृत के अंदर। अब देखो, संस्कृत का श्लोक होता है दो लाइन का छोटा सा, उसका अनुवाद होता है चार लाइन का। ऐसे कैसे यार, वो होते भी कितना कुछ आ गया। हाँ जी, तो ये संस्कृत भाषा की विशेष बात है। भारत के अंदर पता है कितनी भाषाएं हैं कुल मिलाकर के? 1500 भाषाएं बोली जाती हैं भारत के अंदर आज, और 120 लिपियां हैं भारत के अंदर। ये तो हम देवनागरी लिपि है, सबसे अधिक फेमस है, लेकिन इसके अलावा 120 लिपियां हैं। साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया के अंदर, वहां पर 44,000 पेज का एक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट पता किस चीज का है? 44,000 पेज का डॉक्यूमेंट। ये 44,000 पेज का डॉक्यूमेंट है एक इंडेक्स, जिसके अंदर ये बताया गया कि संस्कृत में कौन कौन सी कंपोजिशंस लिखी गई, संस्कृत में कौन कौन से काव्य लिखे गए,
ये इसका इंडेक्स कितने पेजेस का है? 44,000 पेजेस का तो सिर्फ इंडेक्स है, 1,00,000 पेजेस का तो एस्ट्रोनॉमी है। यूनिवर्सिटी ऑफ फिलाडेल्फिया के अंदर एक पूरा सेक्शन दिया गया है। वैसे ये 1,00,000 पेज किसके ऊपर? एस्ट्रोनॉमी के ऊपर 1,00,000 पेज। भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा में वो एस्ट्रोनॉमी दैट इज ऑल्सो गिवन देयर। साथ ही आप देखिए दुनिया के अंदर अगर आप व्यापार की दृष्टि से देखें, व्यापार की दृष्टि से दुनिया में 10 हीरों में से 9 हीरे भारत में काटे जाते हैं। और भारत में कौन सा स्थान है जो हीरो के लिए सबसे विख्यात है? सूरत। पूरी दुनिया में 10 हीरों में से 9 हीरे काटे जाते हैं तो भारत के अंदर काटे जाते हैं। वास्तव में दुनिया के अंदर जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओ कौन है? भारतीय है। चाहे जिरोक्स हो उसका सीईओ कौन? भारतीय है। गूगल भारतीय, पेप्सिको भारतीय, जितनी भी बाहर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इनके सीईओ कौन है? भारतीय है। आपने किसने बिल गेट्स का नाम सुना है? जब बिल गेट्स से पूछा गया कि अगर आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट के लिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन से अपने विद्यार्थी को हायर करना चाहेंगे, क्योंकि अभी वहां पर सब तरह से आते हैं, वहां ऑक्सफोर्ड से भी आते हैं, वहां स्टैनफोर्ड से भी आते हैं, वहां येल यूनिवर्सिटी से भी आते हैं, दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से आते हैं। लेकिन जब बिल गेट्स से पूछा गया कि अगर आपको पूरे देश में सॉरी अपने पूरी कंपनी में पूरे दुनिया भर से सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन से अपने सारे इंप्लॉइज हायर कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला मैं IIT से हायर करूंगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर आप व्यापार की दृष्टि से देखें, मतलब भारतीयों का अद्भुत स्थान है। अमेरिका के अंदर 70% होटल्स इंडियंस चलाते हैं। इसे विदेशों में बोलते हैं बिहाइंड एवरी मोटेल देयर इज अ पटेल। तो इसीलिए 70% अगर अमेरिका के अंदर होटल भी चल रहे हैं तो कौन चला रहे हैं वहां पर? भारतीय चला रहे हैं। वास्तव में जितनी जगह पे इंटेलिजेंसिया है ना, वहां कौन चला रहा है? भारतीय ही चला रहे हैं। इवन अमेरिका के अंदर जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, यूएसए के अंदर ग्रेजुएट्स में वहां पर 78% इंडियंस ग्रेजुएट है और वहां की नेशनल एवरेज है 28%। अमेरिका के अंदर टोटल ग्रेजुएट लोग 28% है, लेकिन सारे इंडियंस में ग्रेजुएट 78% है। पढ़े लिखे लोगों की परसेंटेज सबसे ज्यादा अमेरिका में जितने समुदाय हैं वो भारतीयों की है। ये तो गया ग्रेजुएट्स का डेटा। पोस्ट ग्रेजुएट्स का डेटा, अमेरिका में जितने भी इंडियंस हैं उनमें से 40% इंडियंस पोस्ट ग्रेजुएट हैं और नेशनल एवरेज कितनी है? 8%। अमेरिका के अंदर खुद अमेरिकन ओनली 8% आर पोस्ट ग्रेजुएट और वहां रहने वाले इंडियंस ही 40% पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं। तो इसे इस दृष्टि से भी अगर आप देखें भारत का ना अद्भुत स्थान है। वास्तव में सुरक्षा की दृष्टि से अगर आप देखें भारत के अंदर कितनी पुलिस चौकियां होंगी? 15,000 पुलिस चौकियां हैं और अमेरिका के अंदर 17,000 पुलिस चौकियां हैं, जबकि भारत की जनसंख्या अमेरिका से 4 गुना है। तो यानी हमारे यहां कितने होने चाहिए? कम से कम 60,000 पुलिस स्टेशन होने चाहिए। यानी क्राइम रेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, अगर क्राइम रेट भी इंडिया के अंदर इतना कम है कि हम 15,000 चौकियों में अपना काम चला लेते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर 17,000 पुलिस स्टेशन, कब क्राइम कहां पर हो जाए कुछ नहीं पता। सुरक्षा की दृष्टि से भारत का बहुत ही अव्वल स्थान है। जितने भी विदेशों के अंदर बिजनेसमैन है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स हैं जिनको बोलते हैं NRI, आपको पता है NRI भले ही बाहर रहे दुनिया के अंदर लेकिन याद किसको करते हैं? भारत को। इसीलिए NRIs हर साल $13 बिलियन, कितने? $13 बिलियन भारत भेजते हैं। ये मेरी मातृभूमि की सेवा है। $13 बिलियन। विदेशों में ऐसा हुआ था कि ना, ये होती ना आपने देखा ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, ये ग्रेजुएशन सेरेमनी थी और उस ग्रेजुएशन सेरेमनी के अंदर भाई जिसको बुलाया जाता है वो आता है, व्यक्ति अपनी डिग्री लेता है चला जाता है। एक भारतीय लड़का आया, जो संस्कार कितने गहरे होते हैं व्यक्ति के अंदर,
उसको डिग्री मिली, आया, उसने अपने प्रिंसिपल के पांव छुए। अब विदेश में किसको नहीं पता पांव छूके, कहते ये व्हाट इज दैट। तो उसको जाके बताया कि सर टीचर को सम्मान देते हैं हमारे यहाँ पर, टीचर को सम्मान देते हैं, तो इसीलिए ना वो पाके पांव छूके गया, बाकी कोई पांव छूके नहीं जाता। थैंक यू सर बोल के निकल जाते हैं। लेकिन इंडियंस की खास बात क्या है, भले ही विदेशों में चले जाएं लेकिन फिर भी अपनी संस्कृति को इस हद तक नहीं भूलते, जाएंगे पांव छुएंगे। देखिए भारत में संस्कृति का क्या हाल है, भारत के अंदर भले ही पिछले 50 साल से बॉलीवुड दिखा रहा है लड़का लड़की, ठीक है, दोनों जो है पेड़ के आगे आसपास घूम रहे हैं, खेतों में नाच गाना कर रहे हैं, लव मैरिज हो रही है दोनों की, पिछले 50 साल से बॉलीवुड हमारे दिमाग में कूड़ा डाले जा रहा है, 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 डाले जा रहा है। लेकिन आज भी भारत के अंदर 83.5% मैरिजेस अरेंज मैरिज होती है। और सोचिए भारत की संस्कृति क्या होगी, 50 साल तक बॉलीवुड लगा हुआ है लव मैरिज लव मैरिज लव मैरिज लव मैरिज, प्रेमी प्रेमिका प्रेमी प्रेमिका प्रेमी प्रेमिका 50 साल से, और हमारे इंडियंस 83.5% हम अपने माता पिता के द्वारा चुना गया लाइफ पार्टनर से शादी करेंगे। वाओ व्हाट एन अमेजिंग कल्चर एक्चुअली, व्हाट एन अमेजिंग कल्चर। भारत के अंदर धार्मिकता इतनी है, आप बताओ भारत के अंदर कितने नास्तिक लोग रहते हैं, सिर्फ 0.24%, यानी कि 99.6% लोग भारत के अंदर आस्तिक हैं। और भारत में देखो क्या हाल है, अगर आपको कोई लॉजिकली भी प्रूव कर दे कि भगवान नहीं है, लॉजिकली आपको चार्ल्स डार्विन थ्योरी, हम लोग मंदिरों से आए, ये वो बम फटा दुनिया बनी, ये सब पढ़ने के बाद भी, एनसीईआरटी किताबें पढ़ने के बाद भी, सीबीएसई किताब पढ़ने के बाद भी, हमने पढ़ा भी है, एग्जाम में लिखा भी है इसको, बम फटा दुनिया बनी हम मंदिर से आए, लेकिन उससे पूछे लेकिन फिर भगवान है कि नहीं, कहता भगवान तो है, भगवान तो है। तो इन्हें भी देखा जाए तो नास्तिक थ्योरी है ये, तो बता रही है हमारे पूर्वज कोई ऋषि मुनि नहीं थे, अगर हम देखो इससे प्रभावित हो गए होते अगर, और हमसे को हमारा गोत्र पूछता हम क्या बताते हैं, मेरा शांडिल्य गोत्र है, गर्ग गोत्र है, कश्यप गोत्र है, हम ये बताते हैं राइट, हम सब बता रहे होते वानर गोत्र। हम लोग किससे आए, बंदरों से आए, तो हमारा गोत्र क्या होना चाहिए, वानर गोत्र। पर कोई बोलता है ऐसा, आप कभी जाओ गया जाओ, कभी जाओ हरिद्वार ऋषिकेश पंडित जी के पास, कहां गोत्र है आपका, तो बोलता है वानर, तो बोलता है ऐसा, कोई नहीं बोलता। तो भले ही हमको कोई लॉजिकली समझाए देखो देखो भगवान नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, फिर भी हम बोलते नहीं है, है। इसलिए पूरी दुनिया में सबसे कम नास्तिक कहां पर है, इंडिया के अंदर सिर्फ 0.24% लोग यहां पर नास्तिक है, 0.24, इसका मतलब 99.76% लोग यहां पर आस्तिक हैं, भगवान में विश्वास करते हैं। वन ऑफ द रीजन की यहां पर ही हम देखते हैं कि ईसाई मिशनरी, कि इस्लामिक मिशनरी भारत में इतना पैसा इन्वेस्ट करते हैं लोग, कि यहां पर इतना कन्वर्जन क्यों कर रहे हैं लोग, इतना इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करते हैं लोग, कहीं नहीं करते, भारत में इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं क्यों, क्योंकि सबसे अधिक श्रद्धालु लोग कहां रहते हैं, भारत के अंदर। आज अमेरिका का ये हाल है, देखिए अमेरिका के अंदर मैं देखा कई चर्चेज हैं खाली पड़ी हैं, हर 2 किलोमीटर पे इतनी सुंदर चर्च है वहां पर, मैंने अमेरिका में काम किया मैंने देखा सारी चर्चेज देखी मैंने, और चर्चेज के अंदर धूल चाट रही है चर्च, कोई नहीं आता, इवन चर्च के बाहर उन्होंने बैडमिंटन कोर्ट खोल दिया कि आओ बैडमिंटन खेलते खेलते शायद अंदर आ जाएंगे लोग, शायद टीटी खेलेंगे टेबल टेनिस खेलेंगे तो अंदर आ जाएंगे लोग, लेकिन बाहर लोग टीटी खेल के चले जाते लेकिन अंदर नहीं आते, और चर्च जो है वो धूल चाट रही है। अफकोर्स उसका फायदा हरे कृष्ण वालों को मिलता है, हम लोग जाते हैं वहां म्युनिसिपैलिटी वालों से मिलते हैं, कहते भाई तुम्हारी चर्च धूल चाट रही है, हमको दे दो सस्ते दाम में, हम यहाँ हरे कृष्ण मंदिर खोल लेते हैं, हम उस चर्च के अंदर हरे कृष्ण मंदिर खोल लेते हैं। लेकिन अगर आप श्रद्धा की बात करें, श्रद्धालु लोग सबसे ज्यादा भारत में मिलते हैं, जबकि हमारा पड़ोसी देश है चाइना, सबसे ज्यादा नास्तिक लोग चाइना में मिलते हैं दुनिया में, सिर्फ चाइना, चाइना बात बता रहा हूं, सिर्फ चाइना, चाइना के अंदर 67% लोग नास्तिक हैं, यानी 2/3 लोग नास्तिक हैं चाइना के अंदर। चाइना के संविधान में लिखा है
चाइना एक नास्तिक देश है, चाइना इज एन एथिस्टिक कंट्री, लेकिन ऐसे नास्तिक देश के अंदर भी आज वहां पर 25,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। तो भारतीय संस्कृति का प्रभाव देखिए इतना ज्यादा है कि ऐसे लोग जो कभी कान खजूरे खाते थे, सांप खाते थे, बिच्छू खाते थे, केकड़े खाते थे, चमगादड़ का सूप पीकर के कोरोना फैलाते थे, आज वही चाइनीज लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, शुद्ध शाकाहारी भोजन पाते हैं, भगवान को भोग लगा कर पाते हैं, भगवद गीता का चाइनीज भाषा में अनुवाद हो चुका है और चाइनीज भाषा में भगवद गीता चाइनीज पढ़ रहे हैं। हमारे गुरु महाराज इस होलनेस गोपाल कृष्ण महाराज कभी कभी चाइना जाते हैं। हमने उनसे पूछा कि महाराज आपका चाइना गए तो आपका कैसा अनुभव रहा। महाराज ने कहा चाइना के लोग इतने बुद्धिजीवी हैं और फाइनली उस बुद्धि के अंदर भगवान कृष्ण अब और समा गए हैं, इसलिए ये लोग इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं। मतलब लेक्चर होता है एक घंटे का, सवाल जवाब दो घंटे के, इतना अधिक प्रभाव पड़ रहा है वहां पर। लेकिन चाइना वैसे देखे एक नास्तिक देश रहा है, 67% लोग वहां पर नास्तिक हैं, और मतलब हिमालय के उस तरफ इतने नास्तिक लोग और हिमालय के इस तरफ इतने आस्तिक लोग कि 99.24% लोग, 26% लोग, 76% लोग आस्तिक हैं यहां पर, ओनली 0.24% लोग ही यहां पर नास्तिक हैं। कल्चरली भारत इतना अधिक रिच है, हमारे यहां नदियां इतने अच्छे से फैली हुई है भारत के अंदर कि भारत में सूखा बहुत कम पड़ता है, भारत के अंदर प्राकृतिक आपदाएं सबसे कम आती हैं। अब देखिए भूकंप कभी आया था भुर्ज में आया था, कभी साउथ में सुनामी आया था, कभी केदारनाथ में बाढ़ आई थी, ऐसे कुछ गिनती की प्राकृतिक आपदाएं हैं। लेकिन बाहर अगर आप देखेंगे ना, बाहर के देशों में तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, जैसे जापान में और चाइना में इतने सारे ज्वालामुखी हैं, सक्रिय ज्वालामुखी हैं, हमारे यहां सब सूरजमुखी हैं, ज्वालामुखी नहीं है। अमेरिका के अंदर हर साल हरिकेन आता है, कैटरीना, रीटा, सेन्यूरीटा, हमारे यहां कभी नहीं आता। हमारे कभी सुना है सरिता, अनुपमा, तू सुना है कभी? इस बार के तूफान का नाम है कमला, कमला तूफान, कभी आया? भारत के अंदर प्राकृतिक आपदाएं भी सबसे कम आती हैं। ये भी क्यों आती है? क्योंकि आज भारतीय लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे, यहां बड़ा कम कर रहे हैं तो इसलिए प्राकृतिक आपदाएं आती है लेकिन बहुत कम आती है, क्योंकि ये क्या है? ये धर्म भूमि, भारत भूमि क्या है? धर्म भूमि, ये पुण्य भूमि है। वास्तव में हमारे प्रभुपाद जी बोला करते थे, अगर कोई व्यक्ति गंगा मैया में स्नान करता है, यमुना में स्नान करता है, या मान लो सिर्फ भारत में स्नान ही करता है, ऐसा व्यक्ति 50% पहले से कृष्ण भावना भावित हो जाता है सिर्फ यहां स्नान करके। ये भारतीय का हाल है। भारत में देखो किसी को ना इतना समझाना नहीं पड़ता कि भगवान है, भारत में तो नहीं करना पड़ता, थोड़ा समझाओ कहते हाँ प्रभु जी मैं थोड़ा नाराज हूं भगवान से, पर ऐसे भगवान को मानता हूं, भगवान से नाराज था, मेरी फैक्ट्री क्लोज हो गई, मेरी बीवी के साथ भाग गई थी, मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते, तो मैं भगवान से नाराज हूं। लेकिन नाराज होने का भी मतलब है कि भगवान है ये तो मानता है वो। अगर हम विदेश में कहीं पर सेमिनार देते हैं ना, 3 दिन सेमिनार देनी पड़ती है कि भगवान है, उसे बहुत सारे, क्योंकि नास्तिकता के बहुत सारे प्रकार है विदेशों में, जैसे ऑफेंसिव एथिज्म, डिफेंसिव एथिज्म, साइंटिफिक एथिज्म, इमोशनल एथिज्म, फिलोसॉफिकल एथिज्म, रिडक्शनिस्ट एथिज्म, बेसलेस एथिज्म, नास्तिकता के इतने प्रकार हैं विदेशों के अंदर। ये कभी आपने नाम सुना है नास्तिकता के? सारे कभी नहीं। हमको थोड़ा बहुत से नाराजगी कभी कर लेते हैं, अरे यार भगवान ने मेरी इच्छा पूरी नहीं की, यार मेरे को एक मांगलिक लड़की चाहिए थी, भगवान ने मिलाई नहीं मेरे को, मैं 30 साल का लड़का नहीं मिल रहा मेरे को, लड़की नहीं मिल रही मेरे को, इतना उसका लेकिन दैट्स इट। तो इसे भारतीयों का इस प्रकार से अगर आप देखें ना, जो भगवान के प्रति रुझान है इतना अधिक है कि चाहे ऐसी भी ताकतें भारत के ऊपर आए लेकिन फिर भी आज भारत टिका हुआ है। किसी भी देश के ऊपर अगर किसी बाहर की संस्कृति ने अटैक किया ना, वो 30-35 साल के अंदर वो देश या तो इस्लामिक हो गया या क्रिश्चियन हो गया, 30-35 साल। जैसे ईरान था, ईरान पहले पर्शिया था, पर्शिया में आए थे 4,000 विदेशी लोग आए, उसके बाद ऐसा हाल हुआ कि आज ईरान क्या है, आज पूरा देश उसी रंग में रंग चुका है। और ये कहानी बाकी देशों की भी है,
जिस भी देश में कोई विदेशी संस्कृति आती है, कल्चर आता है, तो 40-50 साल के अंदर तो पूरा देश उस रंग में रंग लेता है। लेकिन भारत के ऊपर पिछले 900 साल से अटैक चल रहा है, आज भी हम लोग हिंदू हैं। ये 30-40 साल की बात नहीं है, 50 साल की बात भी नहीं है, 900 साल। ऐसी पृथ्वीराज चौहान के बाद हमें नरेंद्र मोदी जी हिंदू राजा मिले हैं, बीच में हिंदू राजा मिले ही नहीं हमको। तो 900 साल तक भारत को हिंदू राजा नहीं मिला, फिर भी भारतीय हिंदू रह गए। अरे भाई, कुछ तो खास बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ भी वही भारतीय लोग लगे हुए हैं। आप देखिए, जितनी ज्यादा कथाएं भगवान की इंडिया में होती उतनी कहीं नहीं होती। हर गली कूचे में भागवत कथा यज्ञ, भक्ति यज्ञ, ये कथा यज्ञ चल रहे हैं। भले किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कथाओं पर कथाएं चल रही हैं इंडिया के अंदर। भगवान का इतना महिमा गुणगान होता है कहां पर? भारत के अंदर। वास्तव में हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी इतनी रिच रही है ये कि जब यहां पर विदेशी आक्रांतक आए, उन्होंने आक्रमण किया, तो इसकी लाइब्रेरी को जला दिया गया और लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही। सोचिए कितना ज्ञान होगा भारतीय संस्कृति में कि लाइब्रेरी 3 महीने तक जलती रही, जलती रही, जलती रही, इतना ज्ञान था। और ज्ञान भी, ज्ञान नष्ट भी कैसे हुआ? करुणा, हमने करुणा दिखाई थी। बेसिकली खिलजी नाम का व्यक्ति जब भारत में आया और उसने आक्रमण किया, एक समय बहुत बीमार पड़ गया, उसमें सब इलाज हो लिए लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। फाइनली वो गए तक्षशिला नालंदा और वहां से एक वैद्य जी को लेकर के आए। तो बताया खिलजी को कि ना ये वैद्य जी आए हैं, तो वैद्य जी से आप दवाई ले लीजिए। कहता नहीं, उसने बोला मैं काफिरों से कोई दवा नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं, रख दो उसको। तो अब क्या किया जाए? तो फिर ये जो वैद्य जी थे, इन्होंने करुणावश कहा कि ठीक है, वो मेरे को काफिर मानते हैं, तो इसलिए मेरे हाथ की दवा नहीं लेना चाहते। वो ऐसा करिए कि ना कुरान के पन्नों पर आप ये दवाई लगा दीजिए, कुरान जब पलटेंगे तो कभी ऐसे, कभी जीभ मुंह पे हाथ लगेगा ना, तो दवा उनके मुंह में चली जाएगी, इस तरह से वो ठीक हो जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, कुछ समय बाद जो है वो ठीक भी हो गए। उनका एस्टिमेट कैसे ठीक हो गया? मंत्री ने बोला देखिए अब जहां पना आप तो स्वीकार नहीं कर रही कि काफिर से मैं दवा नहीं लूंगा, तो इस प्रकार से उन्होंने किताब के ऊपर ही उन्होंने फिर दवाई लगा दी थी कि कुछ ना कुछ जेन की प्रकार कुछ ना कुछ आपके मुंह में चला जाएगा, तो इसीलिए इस प्रकार से उन्होंने आपको दवा खिलाई, तो इस प्रकार से आप ठीक हुए। ओ अच्छा, मतलब ऐसा कोई विज्ञान भी रहा है जो कि हमारे विज्ञान से ऊंचा है। ये कहां से आए थे वैद्य जी? वैसे वो ये तक्षशिला नालंदा से आए थे। ही अटैक्ड नालंदा एंड तक्षशिला, उस पर अटैक किया, वहां की लाइब्रेरी को जलाया, तोड़ फोड़ दिया। 3 बार अटैक हुआ है श्री हमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटीज के ऊपर, 3-3 बार अटैक हुआ, पर 3री बार जो था सबसे खतरनाक अटैक था। सोचिए भारतीय संस्कृति में कितना ज्यादा ज्ञान होगा कि लाइब्रेरी ही 3 महीने तक जलती रहे, ऐसा हाल। तो ये हमारा भारत है। हमारे भारत की एक और खास बात है, हम लोग बहुत भावुक लोग हैं, भावनाओं से भरे हुए लोग हैं भारतीय लोग। हमारे विदेश में ना एक हुआ क्या, हमारे एक डिवोटी उन्होंने लेक्चर दे रहे थे, तो एक विदेशी आया उनके पास, उसने बोला अरे प्रभु जी आपका प्रवचन सुनकर हमें बहुत ही अच्छा लगा, आपने बड़ी प्रेरणा दी हमको। उस भक्त ने देखा तो अंग्रेज है, तो अब अंग्रेज अगर हिंदी बोलते हैं तो अंग्रेजी तरह से स्टाइल में बोलते हैं, हमको भारत में आके अच्छी लगती है, भारत एक बहुत अच्छा कंट्री है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे है, हमको बहुत अच्छी लगती है, ऐसे बोलेगा राइट। लेकिन अगर कोई अंग्रेज ऐसी हिंदी बोले कि मुझको आपका प्रवचन सुनकर बड़ी प्रेरणा मिली है, आपका बड़ा धन्यवाद, तो हमारे हरे कृष्णा डिवोटी ने बोला कहते यार तुम अंग्रेज तो हो, ये तो दिख रहा है, वो अंग्रेज तो कहते हैं हाँ यार मैं यहाँ यूके से हूँ, कहता लेकिन यार तुम हिंदी तो बिल्कुल भारतीय जैसी बोल रहे हो, बिल्कुल अंग्रेज लोग हिंदी बोलते तो पता लगता है कि हाँ ये अंग्रेज व्यक्ति ही जो है वो हिंदी बोल रहे हैं राइट, लेकिन आपकी हिंदी एकदम क्लिष्ट हिंदी है एकदम, ऐसे कैसे? तो उसने बताया, कि ना मैं एक बहुत ही फेमस बिजनेस टाइकून का बेटा हूं एक्चुअली, और मेरे पिताजी ने मेरे को सब कुछ दिया, लेकिन क्योंकि मेरी माँ नहीं थी तो भाई मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, और क्योंकि मुझे माँ का प्यार नहीं मिला तो इसीलिए मैंने अपने पिताजी से पूछा पिताजी मुझे माँ का प्यार चाहिए मैं क्या करूं?
तो पिताजी ने कहा देख बेटा वैसे तो मेरी बहुत सारी फिरंगने वाइफ हैं, लेकिन अगर तेरे को चाहिए मतलब माँ का प्यार चाहिए अगर, तो सबसे ज्यादा इमोशनल लोग भावनात्मक लोग हैं भारत के अंदर, तो तेरे को भारत जाना चाहिए और भारत में तेरे को प्यार मिलेगा। तो जब वो भारत में आए तो भारत में काफी रिसर्च की कि कौन सी माएं सबसे ज्यादा ममता भरी होती हैं, तो उसे पता लगा कि पंजाबी माएं और बंगाली माएं सबसे अधिक प्यार देती हैं बच्चों को, तो दोनों में से फिर फाइनली उसने बंगाली माँ को चुना और बंगाली माँ के पास गया, उसने सब कुछ सीखा भी उनसे और उनके पास गया, उसने बोला कि अच्छा अगर मैं हर रोज आप लोगों को 2 लाख रुपए दूं, सॉरी हर महीने 2 लाख रुपए दूं, तो क्या मुझे एक माँ का प्यार दोगे? अब बेटा जी क्यों नहीं, बेटा जी और लोगों को भी ले आओ, उनको माँ का प्यार देंगे हम। तो इस तरह से वो यहाँ रहा, भारत में रहा, यहाँ उसने बंगाली भी सीखी, भारतीयों से उसने हिंदी भी सीखी और यहाँ रहकर उसको माँ की ममता का अनुभव हुआ कि माँ का प्यार क्या होता है, भारत आकर पता लगा उसको। और ये करते करते उसको उसकी हिंदी इतनी क्लिष्ट हो गई कि वो हिंदी ऐसे बोलता है जैसे कोई भारतीय लोग हिंदी बोलते ना, इस प्रकार से वो हिंदी बोलता है। ये भारत की इमोशंस की बात है। अब देखिए फैमिली बॉन्डिंग इतनी जबरदस्त होती है भारत के अंदर, माता पिता बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं बच्चों का कि अगर बच्चा अगर हल्का सा भटक रहा होता है उनको चिंता होनी शुरू हो जाती है। विदेशों में बच्चा जब 18-19 साल का होता है क्या, चल अब तू अपनी दुनिया में हम अपनी दुनिया में, लेकिन भारत के अंदर माता पिता बच्चों की बहुत चिंता करते हैं, उनको कॉल करेंगे, भले ही बच्चे इनको बाद में वृद्धाश्रम भेज दें, ये वृद्धाश्रम से कॉल कर दें बच्चों को, बेटा तुम ठीक तो हो, मतलब इमोशनल रिचनेस देखिए भारत के अंदर। और ये माता पिता को जो भेजने का है ना वृद्धाश्रम भेजने का सिस्टम, ये भी भारतीय कल्चर में नहीं था, ये बाद में आया, ये विदेशी संस्कृति का जब भारत में अटैक हुआ ये उससे आया वास्तव में, उस अटैक की वजह से भारत में बीइंग ऑन द नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न, हम लोग बहुत आधुनिक लोग हैं, हमको थोड़ी प्राइवेसी चाहिए बाबा, ये बूढ़े बुढ़ंचर लोग घर में घूमते रहेंगे तो हमें प्राइवेसी भला कैसे मिलेगी, प्लीज इनको भेजो ना कहीं वृद्धाश्रम वगैरह प्लीज। ओके मोनिका लव यू डार्लिंग, आई माता पिता को भी भेज दिया भाई साहब ने, लेकिन माता पिता आज भी इसे प्यार करते हैं, वृद्धाश्रम से कॉल करते हैं बेटा हैप्पी बर्थडे, बेटा हैप्पी एनिवर्सरी, ये माता पिता हैं भारत के। तो भावनात्मक रिचनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें भारत जैसा देश नहीं है। अगर यहां पर किसी से पूछ रहे ना सर ये हम वहां फला फला जगह जाना था कैसे पहुंच सकते हैं, क्या सर आप मैं आपको ले चलता हूं, हम कहते नहीं 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 क्या बता दिया चले जाएंगे, नहीं 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 मैं लेके चलता हूं, वो बंदा साथ जाता है बता करके फिर अपने रास्ते जाता है, ये भारत में होता है। इमोशन फीलिंग ये कहां पर है, ये भारत के अंदर है वास्तव में। देखिए दुनिया वाले सिखाते हैं कि सफल कैसे बना जाए, कोई चीज कैसे काम करती है दुनिया वाले सिखाते हैं, लेकिन भारत की खास बात यह है कि जब चीजें काम ना कर रही हों फिर खुद को कैसे संभाला जाए ये हम भारत में सीखते हैं वास्तव में। एक समय ऐसा हुआ था, एक्चुअली भारत की खास बात है उसको बोलते हैं जुगाड़, ये जुगाड़ नाम की चीज ना दुनिया वाले कभी नहीं समझ पाए, हालांकि जुगाड़ का इंग्लिश वर्ड है इनोवेशन, सस्ता सुंदर टिकाऊ इनोवेशन उसको बोलते हैं जुगाड़। जैसे कभी ना आपने देखा है मेरे पास एक समय ऐसा हुआ था कि हम लोग ट्रेन में थे तो एक विदेशी व्यक्ति हमारे साथ था, तो ना पंखा चल नहीं रहा था, उसने टक 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 ऑन ऑफ किया नहीं चल रहा, वक्त ने बोले एक कंगी है किसी के पास, बोलता है वो बंदा बोला अंग्रेज था, कहता है भाई कंगी से पंखा के चले, कहते चलेगा चलेगा, उसने थोड़ा हाथ पे रब किया उसको दो चार टक 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 हमारा और घूमने घूमना शुरू कर दिया, व्हाट इज दैट, इट हैपेंस ओनली इन इंडिया। कमाल अद्भुत जुगाड़, मतलब इवन बिल गेट्स का कहना है कि अगर हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा होता, किसी चीज का समाधान नहीं मिल रहा होता, मैं अपने इंडियन काउंसलर के पास जाता हूं, जो इंडियन है जिसने IIT से पास आउट है उसका पर्सनल काउंसलर कौन है, इंडियन है, कहते हैं कैसे इसको फिक्स करना है, सर हो जाएगा, और फिक्स हो जाता है वो, तो मैं उससे पूछता हूं कैसे हुआ, इसे सर इन इंडिया वी से वी कॉल समथिंग नोन एज जुगाड़, डन
इवन माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर के अंदर भी इंडियंस ने कहीं ना कहीं जुगाड़ फिट करके वो कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया. दैट इज इंडिया माय गॉड. तो जुगाड़ की दृष्टि से भी भारत अव्वल है वास्तव में. अगर कहीं पर कोई चीज कैसे फिक्स करनी है भारत जानता है. एक समय ऐसा होता, मेरी माँ जो है, मेरी माँ पहले एक अनाथ आश्रम में थी, सेवा करती थी वहां पर. और जो कोई भी बच्चा गोद देना चाहे तो लीगली अगर बच्चा गोद देना चाहे तो मेरी माँ सारे लीगल प्रोसीजर, वकालत वगैरह, मतलब वकील वगैरह से मिलना, मजिस्ट्रेट वगैरह, वो सारा करके बच्चे को गोद दिलाएंगी. उसके बाद बच्चे की रिपोर्ट लेंगे. ऐसा तो नहीं बच्चे को नौकर बना लिया उन्होंने वहां पर. बच्चे की हेल्थ ठीक है नहीं है ये सब देखा करती थी. तो कभी कभी फिरंगी लोग क्या करते थे, मेरी माँ से मिलने के लिए आया करते, बिकॉज मेरी माँ बहुत स्नेह से बड़े अच्छे से बात करती हैं. तो आए तो मेरी माँ ने इनको खिलाए गोभी के पराठे. अब जिन्होंने खाए गोभी के पराठे, सबसे पहले तो गोभी का पराठा देखिए अचंभित ही हुए कि चारों तरफ से बंद है, गोभी अंदर गई कैसे. कहता भाई पिज्जा में तो समझ में आता है, पिज्जा है ऊपर से आपने चीज डाला, ऊपर सब्जी डाली, ऊपर से डालना तो समझ में आता है. कहता ये कैसे हुआ. फिर मेरी माँ ने उनको समोसे खिलाए. कहता है समोसा पूरी तरफ से एकदम सील बंद है, आलू अंदर गया कैसे. फिर मेरी माँ उनको किचन में लेके गई. कहा देखो गोभी के पराठे ऐसे बनते हैं, समोसा ऐसे होता है. वाह व्हाट अ टेक्नोलॉजी माय गॉड. और खान पान में जो भारतीयों के आसपास भी कोई नहीं है. भारत के अंदर जो खान पान है, अरे माय गॉड अल्टीमेट. मैं जब विदेशों में काम करता था मैं, तो वहां पर एक समय मेरे बॉस की एक पार्टी थी. अब वहां जाना पड़ा मेरे को. मैंने कहा यार बॉस की पार्टी भाई जाना पड़ेगा वहां पर. तो फिर वो एक सारों ने ताम झाम इकट्ठा किया हुआ था. अब मैंने कहा इसमें यार पूरे मेन्यू में वहां तो नॉन वेज वेज सब चलता है वहां, तो क्या किया जाए. तो मैंने उसमें ना वो पूछा जो वेटर था, मैंने कहा ये बताओ मैं देखो ये नहीं खाता प्याज लहसुन मीट और सी फूड ये सब, मैं सारी लिस्ट थी. यार सर फॉर यू देयर इज ओनली वन थिंग, आपके लिए सिर्फ एक ही चीज है. मैंने क्या कहा, दिस इज मैक्सिकन बीन्स, आप बस यही ले सकते हैं, इसमें सब कुछ नहीं होता. मैंने कहा ठीक है भाई मेरे लिए मैक्सिकन बीन्स ही ले आओ, बस वही बहुत है. यहाँ पर औपचारिकता करनी है. तो मेरे मन में उसको ठाकुर जी को ऑफर करके वो पाया. अब मैं जो उसको पाने वाला था तो मेरे बॉस का बॉस आया. कहते व्हाट आर यू टेकिंग, तुम क्या खा रहे हो. मैंने कहा दीज आर मैक्सिकन बीन्स. ओ मैक्सिकन बीन्स दैट हैज गॉट अ किक इन इट, मतलब इसके अंदर बहुत ज्यादा तड़कीला भड़कीला है, बहुत ज्यादा ये बहुत मसालेदार है. मैंने कहा अच्छा मैं कोई बात नहीं सर, अब फिलहाल तो यही ऑप्शन है हमारे पास, आपको ऑप्शन भी नहीं है. मैंने जो वो खाया वो असल में थे राजमा, उबले हुए राजमा. उसको नाम मिला था मैक्सिकन बीन्स, मतलब जो बीमार होगा ना उसको खिलाएंगे वो. मैंने कहा और ये आदमी मुझे क्या बोल के गया, इट हैज गॉट किक इन इट. फिर मैंने बॉस को लेके गया एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में, एक श्री वैष्णव का रेस्टोरेंट था अमेरिका में. मैं उसको वहां लेके गया, उसको मैंने वहां खिलाया सांबर वड़ा इडली डोसा. मैंने कहा हाउ अबाउट दैट, कहता है इट इज नॉट जस्ट किक, इट हैज गॉट सुपर डुपर किक. तो उनके लिए एक तो चीज हो रही है माई गॉड. पर हमारे यहां पर स्पाइसिस का इस्तेमाल होता है. स्पाइसिस आर वेरी गुड फॉर डाइजेशन, स्पाइसिस आर वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी. हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है स्पाइसिस लेकर के. लेकिन विदेशों में स्पाइसिस का इस्तेमाल कोई करता ही नहीं, ये रूखा सूखा थोड़ा उबाल उबूल कर खा लेते बेचारे, दर्द तेरेगी. और भारतीय लोग स्पाइसिस का क्या इस्तेमाल करते हैं, अरे माय गॉड. जब दाल के ऊपर छौंक लगता है ना, दाल में जान तब आती है. पर छौंक जैसी चीज भारतीय को अंग्रेजों को पता ही नहीं थी. एक्चुअली प्रभुपाद जी इनको छौंक लगाना सिखाया दाल के अंदर. जब विदेशों में दिखा स्वामी जी क्या कर रहे हैं, उसके बाद दाल, वाओ स्वामी जी व्हाट अ दाल, व्हाट अ प्रिपरेशन, व्हाट वाज द लास्ट थिंग यू डिड. प्रभुपाद ने कहा दैट इज छौंक. ये भारतीय खास बात है. लेकिन भारतीय संस्कृति हर दृष्टि से इतनी उन्नत है, इतनी उज्जवल है हर दृष्टि से, जितने मैंने अपने डेटा आपसे शेयर किया. लेकिन आज भारत के साथ, लेकिन आज वो कह रहा है, आज भारतीय लोग अपनी आध्यात्मिक संस्कृति को छोड़ रहे हैं. और अपनी भारतीय संस्कृति छोड़ने की वजह से आज भारत के अंदर हर 40 सेकंड में एक सुसाइड हो रहा है. सोचिए एक ऐसा देश जो कि इतना समृद्ध देश होना चाहिए, हर 40 सेकंड में लोग सुसाइड करते हैं यहां पर.
सोचिए आप 40 गिनिए, एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया भारत के अंदर। हालांकि पूरी दुनिया के अंदर 330 मिलियन लोग नशे के शिकार हैं और उनमें से 4.5 लाख लोग मर भी जाते हैं नशे की वजह से। पर ये सेम नशा आज भारत के अंदर भी आ रहा है, सेम नशा। किस बात पे आ रहा है नशा? अरे थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए यार, कमान यार, नई चीज देखनी चाहिए यार, लेट्स एक्सपीरियंस मैन, करना चाहिए भाई, और या नहीं तो हो जाए। ये भाव ने हमारे साथ क्या कर दिया, आज नशे के आज हम इतने शिकार हो गए हैं कि आज भारत के अंदर, पहले पंजाब तो था ये नशा, लेकिन आप पूरे भारत में आज का युवा नशे से पीड़ित हो रहा है। ये लोग दुखी हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, हर 40 सेकंड में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इंडिया इंडिया के अंदर ही 300 मिलियन लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, जो जाते हैं डॉक्टर के पास मानसिक तनाव के लिए। 300 मिलियन लोग, माई गॉड, ये बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ा नंबर है। भारत के अंदर कभी डिवोर्स नहीं हुआ था 1900 तक, इंडिया के अंदर एक भी डिवोर्स केस नहीं था 1900 तक। 1980s में जाकर के पहला डिवोर्स केस फाइल हुआ था इंडिया में, और वो बात अखबार में छपी थी। डिवोर्स, तलाक, ये क्या होता है? ये तो पति पत्नी अलग हो रहे हैं ना, उसको बोलते हैं डिवोर्स। भारत में 1900 तक तो क्या, आजादी के बाद तक भी डिवोर्स ऐसी कोई चीज नहीं थी, लीगल डिवोर्स नथिंग नोइंग। लेकिन आज डिवोर्स रेट इतना बढ़ गया है, इट इज 14% इन इंडिया नाउ, 14%। इतने केसेस आ रहे हैं आज भारत के अंदर कि जो 33,000 जैसे कोर्ट वगैरह है उनमें डिपार्टमेंट खुला है कि भाई डिवोर्स के केस आ रहे, जल्दी जल्दी निपटाओ इनको, इतने केस आ रहे, निपटाओ 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 निपटाओ। और ये 14% डेटा पूरे भारत का है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर ये है 32%। मेट्रोपॉलिटन सिटी यानी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर ये 32% तक पहुंच गया है। विदेशों में कितना है, जैसे यूएसए में है 50%, यूके में है 55%, स्पेन में है 78%। लेकिन हम भी उसी दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम अपनी संस्कृति को आज भूल रहे हैं। मैं जब अमेरिका में था, जब मैं वहां काम करता था, तो मैंने वहां पूछा कि ऐसा क्यों है कि अमेरिका की नौकरियां इंडिया में आ रही हैं, ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि क्योंकि अमेरिका के अंदर 90% यूथ ड्रग एडिक्ट है, 90% यूथ, क्योंकि सारे अमेरिका में सेंट्रल में है, ओहायो, ओहायो इज द सेंटर, ओहायो से सारे यूएसए के अंदर ड्रग सप्लाई होती है, सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर। तो 90% अमेरिकन यूथ इज ड्रग एडिक्ट, तो नौकरियां कहां आ रही हैं? भारत में। लेकिन अगर भारतीय लोग भी अगर ड्रग्स लेंगे तो नौकरियां फिर यहां नहीं आने वाली जी, फिर नौकरियां कहीं और जाएंगी फिर। लेकिन आज भारत का वही हाल है। पहले मूवी आई थी उड़ता पंजाब, आज उड़ता भारत हो रहा है आज, क्यों? ड्रग्स की वजह से। तो इसे अगर हम भारतीय संस्कृति को छोड़ेंगे, डिवोर्स रेट बढ़ेगा, सुसाइड रेट बढ़ेगा। बाय 2025 भारत के अंदर सबसे अधिक मानसिक तनाव युवा वर्ग में होगा, बाय 2025। क्यों? क्योंकि हम जिस कल्चर में जी रहे हैं इसमें धर्म नहीं है, इसमें संस्कृति नहीं है, इसमें कल्चर नहीं है, शुद्धता नहीं है, सम्मान नहीं है, भगवान नहीं है। इसीलिए आज भारत का यह हाल हो रहा है कि बाय 2025 इंडिया दुनिया का नंबर वन कंट्री होगा फॉर मेंटल इलनेस केसेस अमंग द यूथ। तो इसे वापस हमें भारतीय संस्कृति में जाना पड़ेगा। और आज इस्कॉन की सहायता से, इस्कॉन की मदद से आज ऐसा हो रहा है। कई सारे ऐसे यूथ हैं जो कि आप भारत में जुड़ रहे हैं, जो कि भारत में जुड़ते हैं, भारत में आज भक्ति से जुड़ रहे हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़ रहे हैं ये यूथ, और इस प्रकार से इनका भला हो रहा है, इनका नशा छूट रहा है, इनकी गलत आदतें छूट रही हैं, ये सब हो रहा है आज इस्कॉन की सेवाओं की वजह से। इस्कॉन यूथ फोरम, इस्कॉन यूथ सर्विसेज, जिसमें हम बच्चों को लेकर जाते हैं, यूथ कैंप लेकर के जाते हैं, इनकी काउंसलिंग करते हैं, इनके लिए सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, इनके लिए प्रसादम स्पॉन्सर करते हैं। प्रसादम मतलब सिर्फ बूंदी नहीं, प्रॉपर छोले कुलचे पराठे भर के खाओ, अच्छे से प्रसाद खाओ, इनको नचाते हैं भगवान के नाम पे। हरे कृष्ण रॉक शोज ऑर्गेनाइज होते हैं आज इस्कॉन के द्वारा, ताकि आज भारतीय यूथ फिर से वापस आ सके। तो इसे हमारा भारत सबसे अधिक गौरवशाली देश है।
पूरे दुनिया में अगर देखा जाए ना, गुरु कौन है? भारत, इंडिया है। ऐसे ना एस्ट्रोलॉजिकली भी देखा जाए ना, एस्ट्रोलॉजिकली हर एक देश के ऊपर ना पर्टिकुलर प्लैनेट का प्रभाव पड़ता है। जैसे जो पाश्चात्य जगत है उन पर राहु का प्रभाव है, इसलिए वहां डुप्लिसिटी भी है, सेंस एंजॉयमेंट भी है। राहु मींस सेंस एंजॉयमेंट। लेकिन आपको पता है भारत किस के प्रभाव में आता है? गुरु। इवन एस्ट्रोलॉजिकली भी भारत का स्थान बहुत विशेष है, इसलिए भारत के अंदर शिक्षा रहेगी, भारत के अंदर सीखना रहेगा, भारत के अंदर ग्रोथ रहेगी, क्योंकि भारत के ऊपर इवन एस्ट्रोलॉजिकली ऑल्सो वी फॉल इन द इन्फ्लुएंस ऑफ गुरु प्लैनेट। तो इससे शिक्षा हमेशा बड़ी रखी। आपको पता है भारत के अंदर 800 यूनिवर्सिटीज हैं और 800 यूनिवर्सिटीज के तहत 20,000 कॉलेज हैं आज भारत के अंदर। इतने सारे कॉलेज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि शिक्षा के ऊपर बहुत ध्यान है। अफकोर्स कुछ तो नकली कॉलेज भी हैं, छोला कुलचा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, कुछ तो ऐसे वाले भी हैं नो डाउट, लेकिन शिक्षा के ऊपर कितना ध्यान है आज भारत का। तो इसीलिए इस पर गुरु का प्रभाव, इससे भारत में गुरुत्व रहेगा, शिक्षा रहेगी, इस प्रकार से भारत आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम अपने कल्चर को छोड़ देंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे आप देखिए भारतीय साथ अच्छा हुआ है, ऑन द नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न हम लोग पाश्चात्य संस्कृति को कॉपी कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं इंडियंस ने बाल ब्लीच कराते हैं, बिना ग्रामर की इंग्लिश बोलते हैं, फटी हुई जीन्स पहनते हैं, यो यो कर रहे हैं आज भारतीय लोग। लेकिन हम भारतीय लोग कितना यो यो कर लें, हम लोग कभी भी पाश्चात्य जगत के लोग नहीं बन सकते, हम लोग अमेरिकन्स और यूरोपियंस कभी नहीं बन सकते, चाहे हम कितना कुछ कर लें, चाहे फटी जीन्स पहने और बोलिए यो मैन यो माय नेम इज यू यो कर लेंगे, लेकिन फिर भी इंडियंस कभी फिरंगी नहीं बन पाएंगे। लेकिन इंडियंस इंडियंस भी नहीं रहे, भारतीय संस्कृति छोड़ चुके हैं लोग, तो पिछली संस्कृति है, क्या है ये पिछड़ापन है और क्या, नहीं तो क्या, देखो ये औरतें घूंघट में बैठी हैं, ये तो पिछड़ापन है। तो भारतीय संस्कृति को हमने बोल दिया तो पिछड़ापन है, तो भारतीय संस्कृति हमने छोड़ दी, अंग्रेज हम कभी बन नहीं सकते, तो हम हो गए बीच में। हमने कहा सुनिए धोबी का डैश ना यहां का ना वहां का, तो आज हम भारतीय वो हो गए, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आज भारतीयों का हाल यही हो गया। हमारा जो 127वां रैंक है ना हैप्पीनेस इंडेक्स में, उसका कारण ये है कि हम भारतीय रहे नहीं, फिरंगी कभी बन नहीं सकते, हम लोग हो गए बीच में। अगर आप जुहू बीच में होते तो बात समझ आती है, लेकिन ये संस्कृति के जो बीच में फंस गए ना हम लोग, इससे तो हमारा भंटाधार ही होना है वास्तव में, और भंटाधार आज हो भी रहा है, आज हो भी रहा है। आज हमारे भारतीय लोग का ये हाल है, माता पिता बच्चों को रोकते हैं जा मंदिर चले जाते हैं, क्यों जा रहे थे मंदिर, पंडित बनना तुमने, ये माता पिता का हाल है, माता पिता का हाल है। अगर बच्चा चंबली घाटी में अपना ऑफिस खोले उनको कोई दिक्कत नहीं है, अरे कोई नहीं जी, उसकी इच्छा तो थी चंबल की घाटी में अपना ऑफिस खोलने की, करियर भी तो जरूरी है ना जी, उसमें माता पिता को दिक्कत नहीं है, पर बच्चा मंदिर आता है इसमें दुखी है माता पिता। आज भारतीयों का हाल क्या देखिए, अगर कोई धोती कुर्ता पहनता है, धोती बोलते हैं पंडित जी, अबे घोंचू ये पंडित जी के कपड़े नहीं है, ये भारतीय कपड़े हैं, ये धोती कुर्ता भारतीय कपड़ा है, ये भारतीय वेशभूषा है, ये जो हम जींस पहने हुए ना, ये जींस पहना हमारे जींस में कभी नहीं था, लेकिन वो बोलता जींस पहना टाइट बॉडी हगिंग जींस, ये मैन उसमें बल्कि सांस घुट रही होती, चमड़ी की सांस घुट रही होती, कहते मैं सांस से लूं, जींस चिपकी हुई है उसके साथ शरीर के साथ, सांस कैसे ले, ये खुला लुला है नहीं? सांस पूरा शरीर सांस ले रहा है, सिर्फ मुंह ही सांस ही ले रहा है। धोती और धोती खास बात यार, धोती कभी छोटी नहीं हो सकती, अगर आप मान लो मोटे हो गए आप या धोती मान दो धोती मान लोगे आप, और मोटे हो धोती मान लोगे, लेकिन धोती कभी छोटी नहीं होती, पैंट छोटी हो जाती है। भाई कितना खोलेंगे पेंट को, माँ ही बोलती है बेटा भटूरे खा गए तू भटूरा हो गया है, मार्जिन में खत्म हो गया पेंट के पीछे का, दूसरी पेंट पहन। धोती के साथ ये नहीं है ऐसा, आप पब्लिक में ना पेंट नहीं पहन सकते,
लेकिन धोती पब्लिक पहन सकते हैं आप, ऊपर गमछा लपेटा होता है, नीचे धोती आती, ऊपर से धोती आती है, गमछा नीचे निकल जाता है, धोती पब्लिक पहनने का हुई। धोती खास बात है जी, बहुत विशेष है धोती। धोती मतलब पहन पहन के आप उसको उधेड़ दोगे ना, बाद में रुमाल बन जाती है, बच्चे में कपड़े साफ उसका पोछा बना लो, मतलब मरते मरते भी सेवा करके जाती है धोती, ऐसी है धोती। तो धोती जो है, वी शुड वियर धोती, सबको पहननी चाहिए धोती। सोचिए महोबा में हम सब धोती पहने, भाई जो गृहस्थ लोग हैं वो सफेद धोती पहने, ब्रह्मचारी वो गिरवा पहनते हैं, जो गृहस्थ है सफेद धोती कुर्ता पहने, फिर महोबा में आप लोग धोती कुर्ता पहन के घूमना फिरना शुरू कर देंगे ना, महोबा में क्रांति आ जाएगी। लोग कहेंगे भाई ये कौन सी प्रजाति के लोग हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं धोती कुर्ता पहन के, और आप गर्व से बोलना हम भारतीय हैं। है? अच्छा ये इस्कॉन की ड्रेस नहीं है, कहते नहीं इस्कॉन की नहीं है ये ड्रेस, ये भारतीय संस्कृति है, वांगड़ू भटूरे इंसान, धोती कुर्ता ये पहनना चाहिए हमको, धोती कुर्ता पहनना चाहिए वास्तव में। और धोती देखिए सब प्रकार की है, कॉटन में पहनिए, जूट में पहनिए, टेरिकॉट पहनिए, सिल्क में पहनिए, मटका सिल्क में पहनिए, आती है बहुत बढ़िया धोती, वेरी गुड, पहनना बहुत आसान है। और धोती ऐसे नहीं गिर जाती ना, खींच लो चलो तो शायद खुल जाएगी ना, इससे बच्चा लटक भी जाएगा ना तो भी नहीं खुलने वाली, फट सकती है, खुलेगी नहीं। कहीं होता है धोती खुल गई तो, धोती पहनने का तरीका होता है, बट धोती इज सो गुड। लेकिन भारतीय लोग आज धोती नहीं पहनते, भारतीय लोग धोती नहीं पहनते, पैंट पहनते हैं लोग। तो इसीलिए हम, हमारा ब्रेन वॉश किया गया है इस तरह से, हमारे वेशभूषा के तौर पे, शिक्षा की दृष्टि से हमारा ब्रेन वॉश किया गया है। और इसलिए आप देखिए आज हम लोग अपनी संस्कृति पे नाज नहीं करते वास्तव में। तो इसे हमें वापस इसी अब इस भारतीय संस्कृति में आना पड़ेगा। हमें बहुत कुछ अच्छा दिया भगवान ने, इस पुण्य भूमि धर्म भूमि में जन्म दिया है हमको, ये हमारा सौभाग्य है। अब इसके बाद अगर हम भक्ति ना करें तो धिक्कार है हमारे पे, धिक्कार है हम लोगों पे। तो बिल्कुल वैसे ही आपकी लॉटरी लगी और आप काउंटर पे पहुंचे और वहां जाके लॉटरी फाड़ दी, एनकैश करानी थी बस, वो एनकैश नहीं कराई। भारतीय आज बिल्कुल वही कर रहे हैं, हमारा इतना अच्छा जन्म हुआ है भारत के अंदर, पूरी दुनिया में सबसे अधिक धर्म कहाँ है, यहीं पर तो है बाबा। तो इसीलिए अगर हम यहां पर भी होके हम धर्म परायण नहीं हुए, भगवान के परायण नहीं हुए, तो वही है, लॉटरी लगी थी और काउंटर पे पहुंच करके एनकैश नहीं कराया, फाड़ दी, बिल्कुल वही कर रहे हैं अभी हम लोग भारतीय लोग। तो इसीलिए ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट। ठीक है, धन्यवाद, हरे कृष्णा।